तो देखिए, कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश यूपी के मुरादाबाद में भी हुई। कांवड़ यात्रा निकाल रहे लोगों को रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय की महिलाएं खाट लेकर घर से बाहर आ गईं, जिसके बाद दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दरअसल ये पूरी घटना मुरादाबाद की तहसील बिलारी के इब्रीमपुर मिर्जा इलाके की है। कांवड़िये डीजे की धुन पर गली से गुजर रहे थे और उसी दौरान उनका रास्ता रोकने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां और बच्चे बड़ी बड़ी चारपाइयां लगाकर रास्ते पर बैठ गए। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि कांवड़िये इस रास्ते से गुजरकर नई परंपरा की शुरुआत कर रही हैं, जबकि कांवड़ियों का कहना था कि वो हर साल इसी रास्ते से कांवड़ लेकर जाते हैं। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई और फिर हंगामा हुआ। कांवड़िये किसी भी कीमत पर वापस लौटने को तैयार नहीं थे और रास्ता रोकने वाली महिलाएं भी रास्ता खोलने को तैयार नहीं थी। माहौल बिगड़ता देख पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराया। तो देखिए, ये मुरादाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक रास्ते से गुजरने पर कुछ महिलाएं पाबंदी लगा रही हैं। दरअसल इस रास्ते से कांवड़िये होकर गुजर रहे थे, लेकिन इस बात पर आपत्ति हुई महिलाओं को और उन्होंने खाट लगाकर, आप तस्वीरें देखिए, छोटी छोटी बच्चियां भी आपको नजर आ रही होंगी, सारी महिलाएं हैं, कोई भी पुरुष नहीं है। खाट लगाकर रोक दिया गया कांवड़ियों को और जो तर्क दिया गया वो ये कि एक नई परंपरा की शुरुआत कांवड़िये कर रही हैं। अब पुलिस ने कैसे समझदारी दिखाते हुए सिचुएशन को कंट्रोल किया है, आइए आपको दिखाते हैं। आप ऐसा ना करिए जिससे कि भविष्य में आपको किसी प्रकार की दिक्कत किसी भी गांव के लिए इसके लिए रहे। आज हम आपके बीच में है, कल आप हमारे पीछे पीछे ना घूमें, तो ऐसा काम मत कराइए हमसे। तो मैं अपील करता हूं कि जो भी बच्चे हैं यहां से, जिसके भी हैं, जिस भी समाज के हैं, मैं 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद तब बात करूंगा जब आपका ये सब मजमा फालतू का है, यहां से हट जाए। मैं आपसे अपील करता हूं, और ये मेरे साथ ऐसा काम मत करिए। नौजवान हो आप, अभी लंबी आपकी जीवन है, वीडियो जैसे आप बना रहे हैं ऐसी वीडियो आपकी बनती है, ऐसा काम मत करिए। तो देखिए, जिस जगह पर महिलाएं सड़क पर खाट लगाकर बैठ गईं, वहां बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। विवाद क्यों हुआ, भास्कर मिश्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। रविवार मुरादाबाद के इब्राहिमपुर मिर्जा गांव में कांवड़ यात्रा को रोकने की वजह से विवाद उत्पन्न हो गया था। ठीक इसी जगह पे वो यात्रा रोकी गई थी, महिलाएं खाट लेके यहां पे मौजूद थीं और रास्ता रोक दिया गया। बहुत सारी महिलाएं और बच्चे यहां पे थे मौजूद, कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन 2 घंटे तक तकरीबन यहाँ पे दोनों पक्ष के लोग इकट्ठा रहे। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में समझौता हुआ और जो कांवड़ यात्री थे वो यहाँ से चले गए। सबसे पहले दिखाना चाहता हूं कि अभी भी यहां पे अगर आप देखें तो प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी है इस गांव में। कल शाम में जो विवाद हुआ उसके बाद रात के 11:30 बजे के करीब में फिर से एक बार कांवर यात्री आए, उनको आराम से निकाल दिया गया, किसी भी तरह के कोई विवाद नहीं हुआ। इसकी सूत्रपात यह है कि कहा यह जा रहा है मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि पहले ताजिया लेके जब वो जा रहे थे तो उनको रोका गया था, और इसी वजह से इस बार जब वो कांवर लेके निकले इस रूट से तो उनको रोका गया, पहली ये। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि आज तक कभी नहीं हुआ कि इस रूट से कांवर लेके गुजरे वो लोग, पहली बार ऐसा हुआ था कि कांवर यात्रियों ने अपना रूट बदला था। इससे पहले तकरीबन आप 15 से 20 मीटर दूरी पे आप वो रास्ता देख सकते हैं, वहीं से वो सीधा गुजरते थे, क्रॉस करते थे और कोई उनको रोकता नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ कि रूट बदला और यहाँ आए, और यहाँ पे पहले से ही मुस्लिम पक्ष की तमाम महिलाएं मौजूद थी और उन लोगों ने रास्ता रोका। शमीम अहमद है हमारे साथ जो ग्राम प्रधान है। शमीम साहब, क्यों कांवड़ यात्रियों का रूट क्यों रोक दिया गया, रास्ता क्यों रोका गया? सर, इस रूट को तो ये कभी पहले से पहले निकले ही नहीं इस रास्ते के लिए। अब इनसे लिए मना करेगा भी जिस रूट से आप निकलते हैं उससे निकलते रहिए, तो हमारी मुस्लिम महिलाएं भी आ गईं और ये लोग भी आ गए। उसके बाद में लोगों से कहा था कि आप जो है डीजे को बंद कर दीजिए और शांति के साथ निकाल लें। ये बोले कि हम डीजे के साथ ही निकालेंगे आवाज़ जोर शोर के, तो इस पर थोड़ा सा तनाव हो गया। पुलिस प्रशासन को खबर कर दी गई, पुलिस प्रशासन आ गया और पुलिस प्रशासन ने 2 घंटे की मशक के बाद दोनों को समझौता करा करके वो इसी रूट से कल की तारीख के लिए निकलवा दिया, सिर्फ कल के लिए। हाँ, मतलब आज अगर आएंगे तो आज फिर रोका जाएगा उनको? सर, रोकना नहीं, वो तो ये प्रशासन के लिए दे दिया गया है लिख करके, और प्रशासन हमारे SPRO साहब, ADM साहब थे और हमारे CO साहब थे, वो ये कह गए थे आज के लिए निकलवा दिया जाए और आगे भविष्य में हम इसका रूट तय कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या कांवड़ के लिए कोई रूट तय है क्या? पहले से कोई प्रशासन के द्वारा रूट तो तय नहीं किया पहले? सर, ये वाला रूट जो है ये इससे ही निकलते हैं सर,
इससे निकलते आए थे। अच्छा, थोड़ा आगे आइए, आप बताइए कि क्या दिक्कत है अगर इस रूट से न चल के अगर इधर से आते तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत सर कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि जैसे मुस्लिम बस्ती है और ये थोड़ा सा वैसा वो है, इसमें जो है धुंध ज्यादा मचता है तो डर ये लगता है हमारे मुस्लिम को, कोई किसी ने अगर थोड़ा बहुत छेड़खानी कर दी तो कहीं ज्यादा मामला माहौल खराब ज्यादा हो जाता है। तो ये कह सकते हैं हम कि ताजिया को रोका गया था इसलिए कांवड़ यात्रा को रोका है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर। कुछ बूढ़े बुजुर्ग तो बता रहे हैं आपके? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक जो है डर का माहौल है, थोड़ा सा डर का माहौल, बस ये चीज है। ठीक है, देखिए विवाद निपट गया है लेकिन अभी भी ये तात्कालिक समाधान हुआ है पुलिस प्रशासन के द्वारा। कल जो कांवड़ यात्री यहाँ पे आए थे उनको निकाल दिया गया, शाम में जो आए थे वो, और देर रात जो पहुंचे थे उनको भी यहाँ से आराम से निकाल दिया गया। लेकिन अब प्रशासन के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया जाए और प्रशासन की मौजूदगी में एक रूट तय कर दिया जाएगा कि कांवड़ यात्री किस रूट से जाएंगे और ताजिया लेके किस रूट से जाएंगे, जिससे भविष्य में इस तरह का कोई और विवाद उत्पन्न ना हो। कैमरामैन प्रवीण मिश्रा के साथ। तो जिस एसडीएम ने लोगों को समझा बुझाकर बीच का रास्ता निकाला, उन एसडीएम ने इंडिया टीवी से पूरी घटना के बारे में बातचीत की। मुरादाबाद जिले के इब्राहिमपुर मिर्जा गांव में कांवड़ियों को रोकने का एक प्रसंग सामने आया है लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बेलारी के एसडीएम राज बहादुर सिंह हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कल आप मौके पे मौजूद थे, क्या हुआ था, ये घटना क्या हुई और कैसे रोका गया था कांवड़ियों को, क्या प्रसंग? जब यहाँ के आपके सीओ साहब के माध्यम से सूचना मिली कि गांव इब्राहिमपुर मिर्जा में एक कांवड़ के यात्रा को, कांवड़ और डीजे को कर में रोका गया है और उसके लिए आपका खाट से लगाते हुए कुछ महिलाओं द्वारा, उसमें बच्चे और महिलाएं बैठ गई हैं, तो एक विवाद की स्थिति जानकारी मिली। तत्काल रूप से सीओ साहब हम मौके पे पहुंचे, देखा तो काफ़ी बड़ी भीड़ वहां पे इकट्ठी थी दोनों वर्गों से, तो उन दोनों को समझाया गया। सबसे पहले तो जो व्यक्ति वहां पे, बाकी बहुत सारे महिला पुरुष थे, उनको अलग अलग किया गया। उसके बाद जो जिम्मेदार लोगों के बीच में एक सहमति बनाने का कहा कि आप अपने बीच में आप सहमति बना लीजिए क्योंकि ये एक विवाद आपके गाँव से संबंधित है। दोनों पक्षों के बीच में बैठाया गया, बैठाने के बाद ये रहा कि ये आपका क्या नाम है, भविष्य में कोई रास्ता, कांवड़ का कोई निश्चितता नहीं होता, तो इसलिए क्योंकि एक विवाद मस्जिद के पास का था तो दोनों पक्षों को एक कहा कि वर्तमान में ये कांवड़ यहाँ से निकाल दी जाए बिना किसी आवाज़ के, और जिससे कि आपके वहाँ समान रूप से निकाल दिया गया। एक लेटर सामने आया है जो ग्राम प्रधान है उनके तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि अगर कांवड़ का रूट तय नहीं हुआ तो मुहर्रम और बारह वफात पे हम लोग भी उन रास्तों पे निकालेंगे। तो रास्ते को लेकर पहले से भी कोई विवाद था क्या उनके बीच में? नहीं, इससे पहले पूर्व में एक मुहर्रम के समय में एक प्रकरण जब वहाँ पे गए तो जानकारी मिली कि मंदिर के सामने से जब मुहर्रम का जुलूस निकला था उस समय थोड़ा एक विवाद हुआ था, तो हमने कह दिया सभी सभी सब सभी जो भी आपके पक्षगण हैं इसके मध्य में हम अपना बैठ के तय कर लेंगे जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। सर, एक वीडियो आ रहा है कल की जो घटना है उसमें कि खाट लगा के महिलाएं और बच्चों को आगे किया गया था, तो आपको लग रहा है कि ये प्लान्ड वे में कुछ हुआ था, रोकने की कोशिश हुई थी, ये कोई बड़ा विवाद बन सकता था? देखिए, कोई भी छोटा विवाद से ही कोई बड़ा विवाद बनता है, तो हो सकता है कि इसके रूप में जो पूर्व में जो मुहर्रम के समय में ये दिक्कतें आई थी इसके फलस्वरूप आपका संगठित होकर रूप में किया गया हो, लेकिन आपके सभी बुजुर्गों के जो मध्य थे उनके बीच में बैठ के इस मामले में सहमति बना ली गई। ग्राम प्रधान और जितने भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि थे उनसे भी बातचीत करके इसका भली बाती सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसका हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।